आप बात कर रहे हैं सीबीआई की निष्पक्षता की, आप बात कर रहे हैं सीबीआई के कसीदे पढ़ रहे हैं आप। अरे आपने तो सीबीआई के डायरेक्टर के दफ्तर को सील कर दिया। कह रहे हैं काले धन के खिलाफ सीबीआई ने कार्रवाई की। क्या कार्रवाई की? कार्रवाई की ललित मोदी के खिलाफ, कार्रवाई की 20,000 करोड़ रुपए लेके मेहुल चौकसी और नीरव मोदी भाग गए। जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि सीबीआई सरकार का तोता है, उसी तोते को अपने इशारे पर नचाने का काम भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज सीबीआई की हीरक जयंती के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सीबीआई के बखान में बड़े बड़े कसीदे पढ़े, तारीफों के पुल बांध दिए। निश्चित रूप से ऐसे मौके पर यह सोचना जरूरी है कि भारत के प्रधानमंत्री सीबीआई की जो तारीफ कर रहे हैं, वास्तव में उसकी कार्यशैली के कारण तारीफ कर रहे हैं या सीबीआई प्रधानमंत्री जी के जेब की संस्था बन चुकी है इसके कारण तारीफ कर रहे हैं। इस तारीफ के पीछे कारण क्या है? क्या प्रधानमंत्री जी अब यह मानते हैं कि सीबीआई पहले की तरह उनके इशारे पर, उनके कठपुतली की तरह काम कर रही है, इसके कारण तारीफ कर रहे हैं, या उसकी कार्यशैली की वजह से तारीफ कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी को यह बताना चाहिए कि जो कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सीबीआई, जो उन्होंने खुद कहा था कि उनकी सरकार को तबाह करने के लिए, उनकी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र के सबसे बड़े औजार के रूप में सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था सीबीआई सरकार का तोता बन गया है। और आज उसी तोते को अपने इशारे पर नचाने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और यह बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि जब से सीबीआई का गठन हुआ तब से लेकर आज तक एक उदाहरण आपको नहीं मिलेगा, एक उदाहरण जिसमें सीबीआई के डायरेक्टर के दफ्तर को सील कर दिया गया। यह काम कब हुआ? यह काम हुआ 2018 में, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे, सीबीआई के डायरेक्टर थे आलोक वर्मा जी, उनके पास राफेल की जांच चल रही थी, राफेल की फाइल उनके पास थी, राफेल के मामले में वो शुरुआत कर सकते थे जांच की, और इसी के कारण उनको जबरन नियमों और कानूनों को ताक पर रखकर सीबीआई का दफ्तर सील करके उनको वहां से निकाल के बाहर किया गया, हटाया गया, और आज तक मुझे जो जानकारी है उनके पेंशन की मंजूरी नहीं हुई। आप बात कर रहे हैं सीबीआई की निष्पक्षता की, आप बात कर रहे हैं सीबीआई के कसीदे पढ़ रहे हैं आप। अरे आपने तो सीबीआई के डायरेक्टर के दफ्तर को सील कर दिया। आपने तो सीबीआई के डायरेक्टर को जबरन हटा दिया। आपने तो आज तक उसकी पेंशन की मंजूरी नहीं होने दी। आपने तो सीबीआई को लेकर बड़े बड़े आरोप लगाए, और आज जब वही सीबीआई आपके इशारे पर नाचने लगी, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के जेल में डालने लगी, तो सीबीआई आपके लिए अच्छी हो जाती है? कह रहे हैं काले धन के खिलाफ सीबीआई ने कार्रवाई की। क्या कार्रवाई की? कार्रवाई की ललित मोदी के खिलाफ, कार्रवाई की 20,000 करोड़ रुपए लेके मेहुल चौकसी और नीरव मोदी भाग गए, कार्रवाई की 10,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया, कार्रवाई की नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया। काले धन के खिलाफ क्या कार्रवाई की सीबीआई ने? नरेंद्र मोदी जी के मित्र अडानी ने मॉरिशस में एक पते पर 6 कंपनी खोलकर
42,000 करोड़ रुपए काला धन अपनी कंपनियों में हिंदुस्तान के अंदर लगाया, कोई कार्रवाई की सीबीआई ने? सीबीआई ने किस पे कार्रवाई की? फर्जी मामले बनाकर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सरकारों को गिराने, डराने, धमकाने और पकड़ पकड़ के जेल में डालने की कार्रवाई सीबीआई ने की, जो दिल्ली में हमें देखने को मिल रहा है और बाकी दूसरे राज्यों में देखने को मिल रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई के बारे में जो तारीफ के पुल बांधे हैं, दरअसल प्रधानमंत्री जी उसी प्रकार से सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि सीबीआई सरकार का तोता है, उसी तोते को अपने इशारे पर नचाने का काम भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।